सभी देशवासियों को, सभी भगवत प्रेमियों को हृदय से जय श्री राम। आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है। आज के दिन जो भी शुभ कर्म किया जाता है वह अकाट्य हो जाता है, उसका कोई कभी भी नाश नहीं होता, वह कई जन्मों तक हमारे साथ शुभ कर्म रहता है। तो आज विशेष रूप से कौन सा शुभ कर्म करना चाहिए, देखिए, एक तो जप, जप का विशेष महत्व है, और दूसरा ध्यान। हमारे इष्ट हैं वह हमारे हृदय कमल में आकर के विराजमान हो, और तीसरी बात, जो भी भगवान ने कृपा करके हमें पदार्थ दिया है, विशेष रूप से कहते हैं स्वर्ण खरीदना और स्वर्ण दान करने का महत्व है, जल दान का विशेष, मिट्टी के घड़े में उसमें जल भर करके, और ऐसी भी मान्यता है कि मिट्टी के घड़े में अन्न, गेहूं है, जौ है, ये भर करके दान किया जाए, मिट्टी के घड़े में आम भर के डाल करके फिर दान किए जाएं, सतुआ का दान किया जाए, और सतुआ खाने का भी आज के दिन विशेष महत्व होता है, और भगवान का पूजन अर्चन विशेष रूप से विशेष विधि से करनी चाहिए। षोडशोपचार, पहले पूजन सामग्री सब एकत्रित कर ले, फिर दोनों दंपति बैठ करके मिट्टी का दीपक जला करके, देखिए आज मिट्टी के दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है, और साथ ही साथ आज का जो पावन पर्व है ना, पवित्रता का भी द्योतक है। आज के दिन ही भगवती भागीरथी माँ गंगा हम सबको पावन करने के लिए इस धरा धाम पर आई है, और आज के दिन ही 24 अवतारों में जो परशुराम भगवान का अवतार है ये अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ है। आज तो मूल बात यह है कि आज का जो समय है हमारा, तो विशेष रूप से उपासना में, भगवत स्मरण में, शुभ कर्मों में व्यतीत हो, क्योंकि शुभ कर्मों के आधार पर ही हमें ये मनुष्य देह मिली है। तो कम से कम इतना शुभ कर्म हमारे द्वारा हो जिसके माध्यम से हमें दूसरी बार भी तो यह मनुष्य देह मिल जाए, और हमें यह सौभाग्य मिले कि हम बार बार अक्षय तृतीया मनाएं। भगवान से प्रार्थना करें कि सारा विश्व का मंगल हो, यह महामारी भागे, यह महामारी का विनाश हो, और पुनः सब लोग अपने अपने कार्यों में रत हो जाएं, सबको सद्बुद्धि बनी रहे, सब भगवान श्री हरि के चरणापन्न हो, भगवान की चरण शरण में आए, सब भगवान के भक्त बने। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आज के दिन विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन, तुलसी माता का पूजन, गौ माता का पूजन अर्चन, गौ माता को भोजन, साधु ब्राह्मण विप्रधेन सुर संत हित, इनके लिए भगवान ने अवतार लिया, तो सज्जनों की सेवा हो। सज्जन जो साधु पुरुष हैं, विप्र यानी कि जो संध्या उपासना करने वाले, समाज को नई दिशा देने वाले हैं, धेनु गौ माता, सुर देवता, देवताओं का भी अर्चन बंदन विशेष रूप से करें। आप सभी के अंतःकरण में विराजमान परमात्मा को हम बार बार प्रणाम करते हैं। सभी को जय श्री